हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवा सिंघल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू लेसन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग छोटी छोटी वीडियो के थ्रू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। इस लेसन में भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और उस टॉपिक का नाम है द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द नेशनल पार्टीज़ एंड द स्टेट पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो किसी स्टेट लेवल पर हो या फिर नेशनल लेवल पर हो, उनको रिकॉग्नाइज़ कैसे किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ कौन करता है, ये सब बातें हम लोग देखेंगे। उससे पहले, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे फर्दर अगर मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। एंड बिफोर दैट, आप इस पर्टिकुलर स्लाइड में से मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। मैं अनएकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ भी मैंने कोर्सेज बनाए हैं, वो कोर्सेज आप देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जो मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक, और जो मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल है, सबका मैंने सब सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या फिर रजिस्टर्ड पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। तो कोई भी पार्टी या तो नेशनल पार्टी हो सकती है, या फिर स्टेट पार्टी हो सकती है, या फिर अनरिकॉग्नाइज या फिर रजिस्टर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये सब की जो इलेक्शन कमीशन जो करता है, इसकी पावर उसे कहाँ से मिलती है? इस चीज़ की पावर, यानी कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या फिर रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा देने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग को मिलती है द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 से। यहाँ से अपनी पावर को ड्रॉन करता है इलेक्शन कमीशन और पार्टीज़ को रिकॉग्नाइज करता है अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो पार्टी को, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, फर्दर हम उसकी बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। नेशनल पार्टी की भी बात करेंगे और स्टेट पार्टी की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी पार्टी एक बार नेशनल या फिर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो वो तब तक रिकॉग्नाइज रहती है जब तक वो अपने अगले इलेक्शन में परफॉर्मेंस ना दे दे। जिस इलेक्शन में परफॉर्म, जैसे मान लीजिए अगर नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला है, उसमें जो परफॉर्मेंस देगी तब तक वो रिकॉग्नाइज रहेगी। उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि आगे वो पार्टी नेशनल पार्टी रहेगी या स्टेट पार्टी रहेगी या नहीं रहेगी। क्लियर है? आने वाले इलेक्शन तक वो पार्टी को जो रिकॉग्नाइज मानी जाती है। क्लियर? अगर मान लीजिए इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में जो कंडीशन दी हुई है इलेक्शन कमीशन ने, उस कंडीशन को कोई पार्टी फुलफिल नहीं कर पाती है दो सक्सेसिव असेंबली इलेक्शन में या फिर दो लोकसभा इलेक्शन में, तो वो पार्टी से वो दर्जा छीन लिया जाता है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, तो वो दो तरह से इलेक्शन को लड़ती है। एक तो स्टेट लेवल पर, जिसे हम लोग बोलते हैं असेंबली इलेक्शन, दूसरे होते हैं लोकसभा इलेक्शन जो MPs के लिए होते हैं, राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, लेट मी टेल यू। तो दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक असेंबली इलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी की बात करें तो एक यूपी स्टेट का इलेक्शन होगा जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ सकती है, दूसरा होगा लोकसभा इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ सकती है, जो मिलके पीएम बनाते हैं। क्लियर है? तो ये आप बात याद रखिएगा कितने टाइप्स के इलेक्शन है। ये बेसिक मैंने आपको दो डायरेक्ट इलेक्शन बताए हैं जिसमें डायरेक्टली जो इंडियन सिटीजन है वो वोट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, ये आप जान लीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कंडीशन देखिए, तीन कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनमें से कोई भी एक अगर फुलफिल हो जाएगी तो वो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। पहली है अ 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली पोल इन ईच ऑफ एनी फोर स्टेट, किन्हीं भी चार स्टेट में 6% का वोट शेयर उस पार्टी का होना चाहिए। एज वेल एज इसके साथ ही क्या होना चाहिए, 4 seats इन द लास्ट लोकसभा पोल, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में 4 seat उस पार्टी की होनी चाहिए और 6% वोट होना चाहिए उसका किसी किन्हीं भी चार स्टेट्स में इंडिया की। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, 2% ऑफ द लोकसभा सीट्स इन द लास्ट सच इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में या तो 2% उसकी सीट हो, साथ में क्या होना चाहिए, विद MPs इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 states, 3 states से उनके MPs इलेक्टेड होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, आई मीन या तो पहली या फिर दूसरी। थर्ड कंडीशन होनी चाहिए, रिकॉग्निजेशन एज द स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 states, वो जो पार्टी है वो कम से कम इंडिया की 28 स्टेट में से 4 states में एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। क्लियर है? तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन पार्टी फुलफिल करती है तो वो पार्टी इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल पार्टी कहलाई जाती है।
इसके साथ अगर हम बात करें, अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है किसी पर्टिकुलर स्टेट में बनना है, तो उसके लिए क्या होगा? पहली कंडीशन इसकी ये है, टू सीट्स, दो सीट हो प्लस अ 6% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली इलेक्शन। दो सीट और 6% वोट शेयर होना चाहिए लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ है, जो उस स्टेट में इलेक्शन हुआ है। या फिर एक सीट हो और 6% वोट शेयर हो लास्ट लोकसभा इलेक्शन में इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। इसके अलावा 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और 3 सीट्स विच एवर इज मोर, या तो 3% असेंबली सीट हो उस पार्टी के पास या 3 सीट हो, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो। क्लियर? इसके अलावा अगली जो कंडीशन है वो है 1 of every 25 लोकसभा सीट्स। 25 लोकसभा सीट अगर हैं उनमें से एक सीट उस पार्टी की होनी चाहिए अगर स्टेट पार्टी उसे बनना है तो, ठीक है, और एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम अ स्टेट। लास्ट जो कंडीशन है वो है एन 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन आइदर लास्ट लोकसभा और द लास्ट असेंबली पोल। अगर किसी पार्टी का स्टेट वाइड बात हो रही है, यानी कि यूपी, बिहार, एक पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में उसका 8% वोट शेयर होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो। क्लियर है? तो दोस्तों ये कंडीशन थी किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी बनाने की और नेशनल पार्टी बनाने की। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी टाइप का और वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। क्लियर है? दैट्स ऑल। और अनअकैडमी फॉलो कर लीजिए मुझे, और बाकी मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।